नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि सिंह और आज हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर के ये कटरा देखिए थाना यहाँ पे क्षेत्र आग के लग दरगाह चुका चौक है। की। यहाँ पे दरगाह मुजफ्फरपुर बंद के कर कटरा पड़ा थाना है, क्षेत्र के यहाँ दरगाह पे चौक ईंट पर वाला काम बुधवार के दिन गांव लगभग वसनीक दो गांव बजे से आग गांव लगने चला से हुआ है। चार घर जलकर राख हो गए। अगलगी की इस यहाँ पे घटना बाबा में का मेला आसपास लगा के रहा है। ये देखिए अन्य लोगों के भी प्रभावित होने की सूचना है। आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका है। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया जा सका। अचानक हुई अगलगी की घटना में लगभग 16 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर राख हो गई। समाज सेवी मोहम्मद अली ने जानकारी देते हुए कहा कि 7 लोग आग से प्रभावित हैं। आग लगने की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस व सीओ सुबोध कुमार, सीआई मनोज प्रसाद घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, पीड़ित परिवार के लोगों को सांत्वना दी, वहीं पीड़ितों के बीच सरकारी अनुदान की राशि का वितरण किया। घटना की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आग बुझाने के लिए पहुंची। तब तक आग पर काबू पाया जा चुका था। अग्नि पीड़ित चांदनी खातून, इपराना खातून, रवानी खातून, आसमिन खातून, मुन्नी खातून, अख्तरी खातून, अमीरुल खास ने स्थानीय थाना में आवेदन दिया है, जिसमें लगभग 16 लाख रुपए की संपत्ति बर्बाद होने की बात बताई गई है। इधर बेटी की शादी के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाका है। 22 पंचायत का 80 गांव कटरा प्रखंड में है और आए दिन आग लगती रहती है, आपदा होता रहता है। जब तक फायर ब्रिगेड कटरा प्रखंड में जीविका समूह से 1 लाख रुपए का कर्ज लिया था, 2 लाख रुपए का अन्य मदों से बंदोबस्त कर रखा था। शरीर पर वस्त्र के अलावा कुछ भी नहीं बचा। 2 मोटरसाइकिल व 2 साइकिल सहित अन्य कागजात, का शादी खाने पीने का सामान, का भी पूरा सामान यही रखा हुआ था। सामान जलकर बेटी के शादी का पूरा सामान जोड़े हुए थे, वो सब बेटी की शादी जल गया। नई गाड़ी चित्कार 32,000 का टीवी था, वही नसीब वो जल गया, पूरा सामान मेरा नुकसान हो जाती थी। उसके लड़की की शादी होने वाली थी, जो सारा सामान लेकर राख हो गया। थानाध्यक्ष ने मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। मोहम्मद अली ने कहा कि जिला प्रशासन से प्रखंड स्तर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी रखने की मांग की जाएगी, ताकि ससमय आग बुझाई जा सके। जिससे लोग किसी भी आपदा में तुरंत उसको राहत मिले और जो भी नुकसान हुआ है उसका भरपाई तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन सरकार के द्वारा जो भी व्यवस्था है उनको पूरा किया जाएगा। आज और अभी थोड़ी देर में सीओ साहब से बात करेंगे। क्या परिचय क्या हुआ? मेरा नाम राजीव कुमार, जिला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर।